हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है ईबीबी एसीएस 800 ड्राइव का आईडी रन कैसे करते हैं और उसको लोकल में रन कैसे करते हैं। सो ये हमारे सामने कंट्रोल पैनल है एसीएस 880 का, यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है होगा। प्रेजेंटली ये रिमोट में है। टाइमिंग, मोटर आरपीएम यूज्ड, करंट और टॉर्क ये मेन डिस्प्ले में है। तो आईडी रन करने के लिए थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहा हूँ प्रॉपरली दिखने के लिए। सो आईडी रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मेन्यू में जाना है, उसके बाद पैरामीटर, ये सिलेक्ट बटन है इसके नीचे ही है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंप्लीट लिस्ट, पहला जो ऑप्शन है कंप्लीट लिस्ट, उसको ही सिलेक्ट करना है। कंप्लीट लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद एबीबी एसीएस का जो सीरीज है ड्राइव का, उसमें टोटल 99 पैरामीटर्स रहते हैं, बट एसीएस 880 जो ये वाला है उसमें एक पैरामीटर ज़्यादा है, लाइक 1 से लेकर 99 तक रहेगा, बट एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है सेफ्टी। तो हम लोग को 99 में जाना है। सो मोटर डेटा में जाना है सबसे आईडी रन करने के लिए। मोटर डेटा सिलेक्ट करने के बाद बहुत सारा पैरामीटर आएगा 99 में ही, लाइक सबसे पहला है मोटर टाइप, एसिंक्रोनस मोटर, बिकॉज इंडक्शन मोटर है तो एसिंक्रोनस मोटर रहेगा। उसके बाद दूसरा है 99 का 4, दैट इज़ मोटर कंट्रोल मोड। तो ये डीटीसी रहना कंपलसरी है, 100% डीटीसी ही रहना है। अगर स्केलर मोड हुआ देख लीजिए, जिसमें स्केलर मोड भी है, स्केलर मोड में आईडी रन नहीं होता है, तो आईडी रन के लिए इसको डीटीसी सेव करने का हो गया। उसके बाद नॉमिनल करंट, जो भी मोटर का नेम प्लेट करंट है, वोल्टेज 415, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, नॉमिनल स्पीड जो भी नेम प्लेट पे रहेगा। उसके बाद नॉमिनल पावर, जो भी उसका पावर है मोटर का, पावर फैक्टर, टॉर्क, ये सब जरूरत नहीं डालने का। और ये हमारा लास्ट है इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज़ आईडी रन रिक्वेस्ट। सो अभी प्रेजेंटली आईडी रन सिलेक्टेड नहीं है, इसके लिए नन दिखा रहा है। पैरामीटर नंबर 99 का 13, उसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद नॉर्मली आईडी रन स्टैंड स्टिल पे ही किया जाता है, तो स्टैंड स्टिल सिलेक्ट करना है, बाकी सब में से उसको सेव करना है। सेव करने के बाद ये एक वार्निंग मैसेज आएगा, यहाँ पे इंडिकेशन देखिए, और इसको हाइड करना है हम लोग को। हाइड करके वी हैव टू गो बैक टिल मेन मेन्यू, मेन डिस्प्ले आ गया। अब आईडी रन करने के लिए यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है रिमोट है, सो वी हैव टू सिलेक्ट इट बैक टू लोकल। तो ये लोकल रिमोट बटन है एचएमआई का, इसको प्रेस करना है। प्रेस करते यहाँ पे देखिए चेंजेस हुआ, लोकल में आया है, दैट इज़ अब ये लाइक एचएमआई से ऑपरेट हो सकता है। इधर लोकल आ गया, लोकल मीन्स एचएमआई। इसमें कुछ नहीं करना है, इतना होने के बाद सिर्फ स्टार्ट कमांड देना है। और यहाँ पे वेरिएशन ऑब्जर्व कीजिएगा, सिंस स्टैंड स्टिल है तो स्पीड नहीं होगा, लाइक स्पीड जीरो रहेगा, ओनली करंट वेरी होगा, हार्डली 2 मिनट लगते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ देखिए पहले सिर्फ रेडी आ रहा था, अब ड्राइव रन, बिकॉज आईडी रन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ करंट वेरिएशन हो रहा है, 105 आरपीएम जो स्पीड है पहला वाला वो जीरो ही रहेगा, मोटर करंट वेरी होगा। आईडी रन इसलिए करते हैं क्योंकि जो मोटर का जितना भी डिटेल है, लाइक रोटर रेजिस्टेंस, आईडी रन हो भी गया, इट टेक्स हार्डली 30 सेकेंड्स ऑफ 40 सेकेंड्स। ओके, आईडी रन होने के बाद यहाँ पे वापस चेक कीजिए, ड्राइव रेडी आ रहा है, ड्राइव रनिंग नहीं है। ओके, आईडी रन हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं हम लोग वापस सेम मेन्यू में जाके, पैरामीटर कंप्लीट लिस्ट, उसके बाद पैरामीटर नंबर 99 और आईडी रन 99 का 13। यहाँ पे वापस से नन हो गया। तो ऐसे आईडी रन होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करता हूँ कैसे आईडी रन करने के बाद इसको लोकल में रन करता हूँ।